सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाली 20 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एस के कॉल, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली की संवैधानिक बेंच ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि यह मुद्दा केवल स्पेशल मैरिज एक्ट तक ही सीमित रहेगा। हम पर्सनल लॉ को नहीं छेड़ेंगे, हम फैसला सुरक्षित रखेंगे। बता दें कि इस केस पर कोर्ट ने लगातार 10 दिनों तक सुनवाई की। इससे पहले 9वें दिन की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया था कि मामले पर राय रखने के लिए सभी राज्यों को 18 अप्रैल को पत्र लिखे गए थे। उनमें से मणिपुर, आंध्र प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, असम, सिक्किम और राजस्थान से जवाब मिले हैं। राजस्थान इसके विरोध में है। बाकी राज्यों का कहना है कि इस मुद्दे पर बहस की जरूरत है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सौरभ कृपाल ने कहा कि हम केवल स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की मांग कर रहे हैं। हमारे लिए इतना ही काफी है कि हमारी शादी को सामाजिक मान्यता मिलेगी। एक्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, कुछ ही पहलू होंगे जो काम के नहीं होंगे, लेकिन कुछ नहीं होने से इतना होना बेहतर है। वहीं समलैंगिक माता पिता की वकील डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि दुनिया में 50 से ज्यादा ऐसे देश हैं जो समलैंगिक जोड़ों को बच्चे गोद लेने की इजाजत देते हैं। यह उन देशों की संख्या से अधिक है जो समलैंगिक विवाह की परमिशन भी देते हैं। इन देशों में रिसर्च से पता चला है कि बच्चों पर कोई उल्टा असर नहीं पड़ता। ऐसा तभी होता है कि जब सुरक्षा का अभाव होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ,